तहरीक इंसाफ यूएई ने पाकिस्तान का 75वां योम आज़ादी नहायत जोश व जज्बा के साथ एक मुकामी होटल में मनाया। पाकिस्तान के मसाइल का हल कानून की हुक्मरानी है। अपने जोशीले अंदाज खिताबत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर मुतहिदा अरब अमारात नवाज खान जदौन का कहना था कि आज़ादी एक नेमत है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। अल्लाह के फजल से तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान कायम व दायम है और इंशाल्लाह रहेगा। पाकिस्तान की सलामती और तरक्की का राज आवाम की हुक्मरानी है। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। जनरल सेक्रेटरी यूएई आसफ जमान ने स्टेज संभाला। तकरीब में तमाम रियासतों के सदूर और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब से खताब करते हुए मुख्तलिफ मुकर्ररीन का कहना था कि हमारे बुजुर्गों ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वलवलांगेज क़यादत में अपनी बेपनाह कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को आलमी सतह पर जिन चैलेंजेस का सामना है, इसके लिए इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में और कोई ऐसा लीडर नहीं जिस पर अवाम का एतमाद हो और वह इन मुश्किलात से पाकिस्तान को निकालने की सलाहियतें रखता है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुतालबा है कि फौरी और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क में मौजूदा सूरत हाल का हल है और अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका मिलना चाहिए। तमाम मुकर्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि हमें मुतहिदा अरब अमारात के कवानीन की पासदारी करते हुए इसकी तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। हम सब पाकिस्तान के सफीर हैं और हमें इस दुनिया को पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना चाहिए। योम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से केक काटा गया और वतन अजीज और शहदा के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर नवाज खान जदौन ने मीडिया का शुक्रिया अदा किया। पीटीआई यूएई ने आज सेलिब्रेट किया 75वां जश्न आज़ादी और हमने सब दोस्तों को इकट्ठा किया और पाकिस्तान का केक काटा और लोगों को पैगाम दिया कि हम सब एक कौम है, हम इधर जितने भी और चीज़ें हम सब एक ही है। नजरिए के इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एज अ कौम ही हमारा कोई इख्तलाफ एक दूसरे के साथ नहीं, हम सब एक कौम है। और हम दुनिया में जितने भी और चीज़ें, मैं उनको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, आप जिधर भी रहे खुश रहे, कानून का एहतराम करें, जिस मुल्क में भी रहे उसके कानून का एहतराम करें और अच्छे काम करें कि आपके अपना नाम भी रोशन हो और पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो, पाकिस्तान को लोग अच्छे नामों से याद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमें बड़ी मेहनत से मिला है, हम इसके लिए हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, इसकी तरक्की के लिए दुआ करो कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करे। और एज ए पीटीआई मेंबर मुझे ये ख्वाहिश है कि ओवरसीज को बहुत सा हक दिया जाए, हमारी ख्वाहिश है, हमारे कैप्टन इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश है। तो इंशाल्लाह इससे हम कोशिश करेंगे कि जरूर हमें हक मिल जाए। बाकी पाकिस्तान के कायद आज़म की मेहनत से हमें पाकिस्तान मिला है, उनकी ये एक फेथ यूनिटी डिस्ट्रिक्ट प्लान है, तो हमें चाहिए इन चीज़ों को हम फॉलो कर लें तो हम पाकिस्तान के लिए अच्छे काम भी कर सकते हैं, अच्छी ड्रीम देख सकते हैं और मुल्क और तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तान जल्द।